सो फाइनली यार तुम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट काफी टाइम पहले आ चुका है और तुम लोग परेशान भी होंगे जिनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है और कई सारे स्टूडेंट सेकेंड अटेम्प्ट का तैयारी भी कर रहा होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा टॉप एनआईटीज जहां पे कम रैंक में अगर स्कोर मेडियन भी है तो तुमको यहाँ पे सीएससी मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे प्लेसमेंट धाकर वाली लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। गोवा का नाम सुनते ही बीचेस और पार्टी याद आती है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट साउथ गोवा में है। यहाँ पे मौज अलग ही लेवल का है, पढ़ाई के साथ मौज। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ ही बोलोगे। और ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत जबरदस्त नेचर। इसे फाउंड किया गया था 2010 में। ये इंडिया का 31st NIT में से एक है। फीस है यहाँ पे अराउंड 5 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 26 LPA, एवरेज प्लेसमेंट 11.45 LPA तक लगा था। ये इंस्टीट्यूट इम्फाल में अराउंड 350 एकर्स में फैला हुआ है। बहुत ह्यूज कैंपस है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। सो अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो तो बताना, मिल सकता हूँ मैं। फीस है यहाँ पे अराउंड 6 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 47 LPA, एवरेज प्लेसमेंट 7.5 LPA तक लग जाता है। और हाँ यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है किसी भी टॉप कॉलेज से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। ऐसे तो इस इंस्टीट्यूट को 1965 में फाउंड किया गया था, काफी ओल्ड इंस्टीट्यूट है, लेकिन पहले इसे जाना जाता था त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। बट अब ये NIT है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट NIT। फीस है यहाँ पे अराउंड 6 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 52 LPA, मेडियन प्लेसमेंट लगा था 7 LPA। प्लेसमेंट रिकॉर्ड अराउंड यहाँ पे 90% है, जबरदस्त। ये NIT इंडिया का वन ऑफ द फेमस NIT है और लोकेशन भी मेनलैंड में है, तो तुमको यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। फीस है अराउंड 6 लाख प्लस। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 1.2 करोड़, एवरेज प्लेसमेंट 12.44 LPA तक लग जाता है। अगर ये NIT तुमको मिल जाता है तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुमको यहाँ पे मिलेंगे और ये NIT 85-95% में भी मिल सकता है। 320 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस काफी ब्यूटीफुल, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है। इसे फाउंड किया गया था 1986 में। पहले इसका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। 2003 में इसे NIT बनाया गया। फीस है अराउंड 5-6 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 1.7 करोड़, मेडियन प्लेसमेंट लगा था 7.5 LPA। देखो यार, वैसे तो कैटेगरी वाइज अलग क्राइटेरिया है, लेकिन ओवरऑल 85-95% में ये मिल सकता है। 258 एकर्स में फैला हुआ ये मैसिव कैंपस कावेरी रिवर के बेसिन में है, जो कैंपस को अलग ही लुक देता है। इसे फाउंड किया गया था 2009 में। एडमिशन फी है 5.5 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 42.5 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 8 LPA। यहाँ एडमिशन के लिए मिनिमम तुम्हारे पास अराउंड 80% होना चाहिए। इस इंस्टीट्यूट को 2010 में फाउंड किया गया था और इनको NIF रैंकिंग अराउंड 100-200 के बीच में मिल जाता है। यहाँ तुमको इजीली एडमिशन मिल सकता है। फीस है 6 लाख प्लस। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 16 LPA, एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 7 LPA तक लगा था। यहाँ प्लेसमेंट रेट अराउंड 80% है और 80-90% में यहाँ पे तुमको एडमिशन मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड क्वालिटी तुमको यहाँ पे एवरेज मिलेगा और जो वेजिटेरियन है भाई तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। NIT दुर्गापुर को यार कौन नहीं जानता है, बहुत फेमस है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। इसे फाउंड किया गया था 1960 में। यहाँ अगर तुमको कोई भी अच्छा ब्रांच मिलता है तो तुमको ले लेना चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। फीस है अराउंड यहाँ पे 7 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 70 LPA, एवरेज प्लेसमेंट 13.62 LPA, मेडियन प्लेसमेंट अराउंड 12 LPA तक लग जाता है। ये इंस्टीट्यूट तुमको 97-98% में मिल सकता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे कैटेगरी पे। और कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा फाइंस लगाता है स्टूडेंट पे, कुछ भी करोगे मतलब अगर गलत कुछ करोगे। इसे भी फाउंड किया गया था 2010 में और 2012 में ये फंक्शनल हो गया। इस NIT को रैंक मिला था अराउंड 72 NIRF का, जो बहुत इंप्रेसिव है। फीस है अराउंड 6 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट 52 LPA लगा था, एवरेज प्लेसमेंट 10.4 LPA तक लग जाता है। पहले के कंपैरिजन में एवरेज प्लेसमेंट में यहाँ पे कमी आई है और यहाँ पे प्लेसमेंट रेट है अराउंड 80%। सो अगर ये इंस्टीट्यूट तुमको मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट में तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बस एक इशू है, इनका लोकेशन रिमोट एरिया में है।
ये पहले स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसे 1956 में फाउंड किया गया था। काफी पुराना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। इसे 2005 में अपग्रेड करके NIT बनाया गया। ये भी एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट NIT माना जाता है। फीस है यहाँ पे अराउंड 6 लाख रुपीज। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 2 करोड़ रुपीज। एवरेज प्लेसमेंट 10.1 LPA तक लग जाता है। कई स्टूडेंट्स ने बताया इस NIT में हॉस्टल सीट्स का काफी कमी है और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे लैंग्वेज का भी इशू आ सकता है, लैंग्वेज बैरियर। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। सबसे पहले यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है टॉप इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड, तो मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तुमको पता है ही तुम्हारा स्कोर कैसा आया है। अगर स्कोर तुम्हारा मेडियन आया है तो डेफिनेटली इनमें से एक को कंसिडर कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, अगर तुमको यहाँ पे CS और IT नहीं मिलता है, कोई और ब्रांच मिलता है जो अच्छा है, जिनका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो तुमको यहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि बाकी अलग कोर ब्रांचेस में भी धाकर प्लेसमेंट लगता है। और अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करो, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। एंड बाकी आप लोग बताओ इस लिस्ट में कौन सा और NIT ऐड हो सकता है, कमेंट करो। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।